गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज पढ़ाएंगे आपको संस्कृत में चैप्टर 7 है हमारा सुभाषितानी। सुभाषितानी सु प्लस भाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है मधुर वचन। सुभाषित शब्द का अर्थ है मधुर वचन यानी अच्छे वचन, ऐसे वचन जो मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। संस्कृत के ग्रंथों में स्थान स्थान पर सुभाषित पद सुभाषितों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में कुछ सुभाषित वचन दिए हुए यानी कि कुछ श्लोक दिए हुए, हम उस श्लोक का अर्थ और भावार्थ दोनों ही पढ़ेंगे। देखिए ना, श्लोक नंबर 1, दत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें कहा गया है कि विदत्वम विदता और नम्रता इन दोनों की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती, अर्थात विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं कर सकते। विद्वान और राजा कभी भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि राजा तो केवल अपने ही क्षेत्र में अपने ही देश में पूजे जाते हैं जहाँ के वो राजा होते हैं। राजा केवल अपने ही क्षेत्र में अपने ही देश में पूजे जाते हैं, जबकि विद्वानों की पूजा तो उनके गुणों के कारण पूरे संसार में होती है। इसलिए विद्वान और राजा दोनों को कभी भी एक समान नहीं बताया जा सकता। तो कहा गया इसमें विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा जो होते हैं वो केवल अपने देश में पूजे जाते हैं, जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। सेकंड, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मम तथा सुखम। इसमें कहा गया है कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या कहती है विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है, किसी भी काम को करने की योग्यता। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो मेन मूल तत्व क्या है इसमें? विद्या। विद्या से क्या मिलती है? विनम्रता। विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग आप नौकरी करते हैं, कमाते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। धन से धर्म, धन मिलता है तो हम धर्म के कार्य भी करते हैं, और जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कहें, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। थर्ड, पुस्तक तथा तू या विद्या पर हस्तकम धर्म कार्य काले समुपने न सा विद्या नेता धर्म। इसमें कहा गया है कि पुस्तक में स्थित विद्या यानी पुस्तक से जो भी ज्ञान मिलता है, पुस्तक में स्थित ज्ञान या पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। हम किसी को कोई उधार दे देते हैं लेकिन वो अगर हमें समय पर नहीं चुकाता है जब उसकी जरूरत होती है तो वो धन हमारे लिए बेकार है। ये कहा गया है कि पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन यदि समय पड़ने पर काम ना आए, समय आने पर काम ना आए, तो उस धन का भी कोई महत्व नहीं है, उस विद्या का भी कोई महत्व नहीं है। तो पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन यदि समय पड़ने पर, बुरा समय आने पर अगर काम नहीं आता है तो वह विद्या भी किसी काम की नहीं और धन भी हमारे किसी काम का नहीं है, कोई किसी का कोई महत्व नहीं है। और माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पाटे थे, माता शत्रु पिता दुश्मन के समान है, येन बालों ने पाटे जिसने बच्चों को नहीं पढ़ाया। वे माता शत्रु अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते पढ़ाते। न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बकुएता, क्योंकि ये बच्चे उसी प्रकार सभा के बीच में सुशोभित नहीं होते जैसे कि हंसों के बीच में बबूला, क्योंकि वे बच्चे उसी प्रकार सभा में सुशोभित नहीं होते हैं जैसे कि हंसों के बीच में बबूला। फिफ्थ, नरस्य अवर्णम रूपम, नरस्य मतलब मनुष्य,
आवरणम होता है आभूषण गहना, रूपस से आवरणम गुणे, गुणे से आवरणम ज्ञाने और ज्ञान से आवरणम समा। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का रूप उसका आभूषण है, मनुष्य के जो रूप है वो सुंदरता उसका आभूषण है, रूप का आभूषण गुण है। अगर मनुष्य के अंदर गुण है और वह सुंदर नहीं है तो भी उसका आभूषण क्या है, उसका गुण, अपने गुणों के जरिए वह सभी जगह प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। गुण का आभूषण है ज्ञान, गुण का मिलता है ज्ञान के जरिए, गुण का आभूषण है ज्ञान और ज्ञान का आभूषण है सम, ज्ञान का आभूषण क्या होता समा। तो मनुष्य का आभूषण है रूप, रूप का आभूषण है गुण, गुण का आभूषण है ज्ञान और ज्ञान का आभूषण है सम। सिक्स कर्मण्य वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु गुरुमा ते असंगो तत्कर्मणि। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का मूल आधार कर्म है, मनुष्य का मूल आधार कर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि केवल तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन अपने सामने अपने परिचित परिवार वालों को देखकर पीछे हट गया और युद्ध करने से मना कर दिया था उन्होंने। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा तुम्हारा कर्म केवल, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, उसकी फल की इच्छा करना नहीं है, फल की चिंता करना नहीं है। तुम केवल कर्म करो, फल देने का काम ईश्वर करेगा। तो तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो और बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्म करो। तुम्हारे छह श्लोक हो गए, एक बार पूरे रिपीट करेंगे, ध्यान सुनना। फर्स्ट श्लोक विदत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा भगवान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि विद्वान लोग सभी जगह पूजे जाते हैं और राजा केवल अपने क्षेत्र में ही पूजा जाता है। सेकंड, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से सुख की प्राप्ति होती है। थर्ड, पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन यदि समय पड़ने पर, बुरा समय आने पर काम आए तो दोनों का कोई महत्व नहीं है। फोर्थ, माता शत्रु पिता मेरे जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, सभा के बीच उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंस के बीच में बगुले। फिफ्थ, मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान, ज्ञान का आभूषण समा। सिक्स, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं, इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो और केवल बिना फल की इच्छा के केवल कर्म करो। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको इसका अनुवाद और वर्णन करनी है। थैंक यू।